अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है अमर और आप लोग देख रहे हैं मेरा और आपका चैनल डाइस बर्ड्स। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी आपके लिए भी। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने कल आप लोगों को दिखाया था कि लव बर्ड्स के अंडर जो हम लोगों ने ऑस्ट्रेलियंस के नीचे रखे थे, तो उसके जो चिक्स हैं मतलब जो एग्स हैं वो फर्टाइल हो चुके हैं। 4 अंडे फर्टाइल हुए हैं 5 में से, लेकिन मैंने अभी 5 ही रखे हुए हैं। एक दो दिन हम उनको और देखेंगे और उसके बाद हम लोग उनको जो फर्टाइल नहीं होगा उसको निकाल लेंगे। बाकी आज की वीडियो हमारी होगी फिंचेस के ऊपर। फिंचेस के जैसे कि आपको पता है कि हमारी ब्रीडिंग प्रोग्रेस स्टार्ट हो चुकी है, एक अंडे एक मटकी के अंदर अंडे आ चुके हैं और बाकी दूसरी जो है नेस्टिंग हो चुकी है। तो हम लोगों ने क्या करना है, आज दूसरी मटकियाँ देखनी है जिसके अंदर पेड़ जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को उनकी प्रोग्रेस भी दिखाऊंगा। देखते हैं, मैंने खुद भी नहीं देखा क्योंकि नेस्टिंग अभी इसके अंदर कम है, तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि नहीं दे रहे। जिन मटकियों के अंदर मैंने और भी डाली हुई है नेस्टिंग, तो वो जिनके अंदर मटकियों के अंदर फिंचेस नहीं जा रही वो हम मटकियाँ खाली करके नेस्टिंग नीचे फेंक देंगे, ताकि जिनके पेड़ लग चुके हैं वो तो अपनी नेस्टिंग पूरी करें और अंडे देने स्टार्ट करें। दरअसल मुझे नेस्टिंग मटेरियल वो वाला मिल नहीं रहा, मुझे मिल रहा है वो वाला जो कि परालियाँ होती हैं ना फ्रूट वाली टोकरी के अंदर, ज़्यादा सा मोटा सा तिनका होता है वो इनके लिए नहीं होता। वो लव बर्ड्स के लिए चल जाता है लेकिन इनके लिए वो चीज़ नहीं होती, क्योंकि इनका बच्चा ज़रा सॉफ्ट सा होता है, बचपन के अंदर ही सॉफ्ट सा बच्चा होता है, और वो उसको अगर वो पराली चुप जाए तो मरने के चांस उसके बढ़ जाते हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं जी अपने अंदर सेटअप की तरफ। तो आप लोग हमारे सेटअप के अंदर आएँ, तो आज हम लोग फिंचेस के ऊपर बना देंगे वीडियो, ठीक है। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी जी हमारी ऑस्ट्रेलियंस की ब्रीडिंग प्रोग्रेस के ऊपर। आप सभी को काफ़ी इंतज़ार होता है कि हमारी जो ऑस्ट्रेलियंस है इनकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस कब आएगी। तो ये जो पेड़ आपको मैंने कहा था, ये 2 पेड़ लगने वाले रह गए, ये भी माशाल्लाह से पेड़ लग चुका है। और जो ये इसके नीचे वाला पेड़ है ये भी माशाल्लाह लग चुका है, और इसकी फ़ीमेल अंडों के ऊपर है और इसकी फ़ीमेल इस टाइम मटकी के अंदर गई हुई है, तो ये भी एक काफ़ी अच्छा साइन है इसका। बाकी एक न्यूज़ आपको ये देनी थी कि जो कि हमारे पास इधर मेल्स, आपको पता था 5 मेरे पास मेल थे, तो एक हमारे पास रेड आइज़ का मेल था और एक येलो कलर का आपको एक पता है एक मेल था जो कि सिंपल बजीज के मेल थे। वो दोनों के दोनों मैंने कल सेल आउट कर दिए हैं, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा पड़े हुए थे और हमारे पास इतनी फीमेल्स भी नहीं थी। 3 मेल अभी भी पड़े हुए हैं जिसके अंदर एक पॉसिबल स्प्लिट हो गो का क्रस्ट का फुल राउंड क्रस्ट का मेल है, और एक सिंपल क्रस्ट का, और उसके अलावा एक किंग साइज़ रेड आइज़ स्प्लिट का मेल है। तो ये हमारे पास ही रहेंगे मेल, हो सकता है हमारी कोई मेल एक्सपायर हो जाए या ना करे, लेकिन या फिर कोई पेड़ मसला करता है तो हम लोग उन मेल को मौका दिया जाएगा पूरा पूरा। और बाकी एक पेड़ हमारा ये है, ये भी माशाल्लाह से पेड़ लग चुका है और ये भी माशाल्लाह ब्रीड के ऊपर है। हमारे पास टोटल तकरीबन 10 पेड़ हो गए हैं, एक ये पेड़ ऊपर वाला और ये आप लोग देखें 8 पेड़, ये टोटल 9 हो गए, और एक पेड़ हमारा ये है जिसके नीचे हम लोगों ने लव बर्ड्स के अंडे रखे हुए हैं। तो ये हमारे पास टोटल 10 पेड़ हो चुके हैं और ये 3 मेल हमारे पास पड़े हुए हैं, और अब हमें बस इंतज़ार है तो इनकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस का कि कब इनके अंडों में से बच्चे निकलते हैं, जिन्होंने अंडे दिए हैं और जिन्होंने अभी देने हैं तो वो भी कब उनमें से बच्चे निकलेंगे। तो आप लोगों को मैं कल इसके ऊपर प्रॉपर एक अच्छी सी वीडियो बना के दूंगा। आप लोगों की हाई इन डिमांड वीडियो यही होती है कि ब्रीडिंग प्रोग्रेस आप दिखा दें बस, तो इनकी के ऊपर कल आएगी वीडियो। और बाकी कॉकटेल है इसके ऊपर, इसके बाद आएगी कॉकटेल की बारी, ठीक है। कॉकटेल का मैं आपको दिखा दूंगा क्योंकि तीनों के तीनों बच्चे इसके हैच हो चुके हैं माशाल्लाह से, और इनो रेड आइज़ के बच्चे माशाल्लाह तीनों निकल आए हैं। बाकी फिर इसके बाद हम लोग कहीं अगर इसके हैच हो गए तो इधर जाएंगे। अब हम चलते हैं जी नीचे, आप देखें तो ये हमारी फिंचेज आ गई। फिंचेज भी माशाल्लाह आपको पता ही है मैं आपके सामने ही लेकर आया था ये फिंचेज, एक मंथ भी नहीं भी हुआ, तकरीबन 15 से 20 दिन हुए हैं। तो इस मटकी के अंदर अंडे हैं जो कि हमने पिछली बारी चेक किया था, इसके अंदर भी पेड़ जा रहा है फर्स्ट मटकी के अंदर, और बाकी जो 3 है इसके अंदर हम देखेंगे किसी के अंदर नेस्टिंग नहीं हुई तो जो नेस्टिंग मटेरियल मैंने डाला था वो हम लोग निकाल देंगे, और एक ये मटकी है इसको भी हमने चेक करना है। एक और न्यूज़ आपको देनी थी कि जो कि हमारे परिंदों के पर होते हैं, ये जो आपको पता है ऑस्ट्रेलियंस है, तो इनके जो पर नीचे गिरते हैं जिस तरह के अभी इधर भी गिरे हुए हैं ये पर, आप देखें तो ये नीचे इधर भी पर गिरे हुए हैं। तो मुझे जिस पर इससे मैंने फिंचेस ली थी उन्होंने मुझे कहा था कि आप क्या करें, ये जो पर आपके पास परिंदों के होते हैं ये आप लोग अंदर आप अंदर डाल दें और ये जो पर हैं ये फिंचेस ले जाएंगी अंदर उठा के। तो मैंने ये जैसे कि आप देख रहे हैं ये ग्रीन कलर का पॉट पड़ा हुआ है, डार्क ग्रीन वाला, लाइट ग्रीन में मैंने अंडा दिया हुआ है इनको बॉयल एग, तो वो भी ये बड़ी शौक से खाती हैं ये अंडा, इनको आप लाजमी दें अगर आप अच्छी ब्रीडिंग चाहते हैं। अच्छा, वो डार्क ग्रीन कलर का पॉट आप देख रहे हैं तो उसके अंदर मैंने फुल करके ये मैंने डाला था परों से, जो पर होते हैं ना वो,
तो ये जो पेयर है इसने तो आपको पता है अंडे दे दिए हैं, तो इस पेयर और की जो मेल फीमेल दोनों ने मिलकर तकरीबन मैक्सिमम इनको 3 से 4 मिनट लगे थे, इन्होंने सारे के सारे पर उठा के अंदर डाल दिए और सेटिंग भी कर ली होगी। मैंने देखा नहीं सुबह का, लेकिन आपको मैं आपके साथ देखता हूँ और देखते हैं इसके अंदर क्या सेटिंग हुई हुई है। तो चलें जी, मैं जाता हूँ कॉलोनी के अंदर और आपको अंदर से जा कर दिखाता हूँ। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ कॉलोनी के अंदर और देखें आप, तो फिंचेस सारी पीछे चले गई हैं। ये जो हम पहली मटकी चेक करना चाह रहे हैं, इसके अंदर हमारा क्रस्ट का पेयर जो है वो जाता है, और क्रस्ट का मेल है और फीमेल उसने वाइट की सिलेक्ट की है। और बाकी अब ये इनका ये है मटकी, तो अभी तो फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, लेकिन ये है कि नेस्ट काफ़ी बना हुआ है इसका। तो आगे नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, तो इधर देखें तो इधर भी नेस्ट बन रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं अभी आया। तो मतलब कि ये वाली मटकी हम लोग नेस्टिंग निकालने के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते। आगे चलते हैं तो ये देखें माशाल्लाह से जी, इसके अंदर भी नेस्ट अच्छा बना हुआ है, तो इसको भी हम लोग नहीं छेड़ सकते। उसके बाद इससे आगे वाली के अंदर चलते हैं, तो दोस्तों इससे आगे वाली देखें तो इसके अंदर भी कुछ नहीं, इसकी नेस्टिंग भी नहीं इस्तेमाल की, तो हम लोग ये नेस्टिंग निकाल के नीचे फेंक सकते हैं। तो अब जी इस तरफ चलते हैं जिसके अंदर अंडे थे पहले भी, तो ये देखें माशाल्लाह से जी, मेल इनक्यूबेट कर रहा है अंडों को, फोकस करूँ माशाल्लाह से जी। और ये मैं पर कह रहा था कि ये अंदर लेकर आए, ये इन्होंने पर भी रखे हुए हैं साथ, ये देखें माशाल्लाह से। तो अभी जी हम लोग आगे भी चेक कर लेते हैं, आगे क्या कोई प्रोग्रेस आई है या नहीं आई। तो दोस्तों आगे की तरफ देखें, तो ये मटकी है हमारी, तो इसके अंदर भी कुछ नहीं है और ये नेस्टिंग भी नहीं छेड़ी हुई। हम लोग इसकी नेस्टिंग भी निकाल के और ये वाले की नेस्टिंग भी निकाल के नीचे फेंक देते हैं, ताकि जो फिंचेस रह गई हैं तो वो भी जल्दी से जल्दी नेस्टिंग उठा के ब्रीड की तरफ आ जाएं। तो दोस्तों मैंने ये नीचे नेस्टिंग फेंक दी है, और ये वो लास्ट वाली मटकी और ये जिस ये वाली मटकी है फर्स्ट के अंदर, इनके अंदर से मैंने ये नेस्टिंग निकाली है और यहाँ पे फेंकी है। तो अब इंशाल्लाह इंशाल्लाह जिनके पास नेस्टिंग कम है तो वो नेस्टिंग अपने ले जाएंगे। तो इसके अंदर माशाल्लाह से जी अभी 6 ही अंडे हैं, तो मेल इस टाइम बाहर निकला था, तो ये देखें माशाल्लाह से जी 6 अंडे हैं इसके अंदर, और ये देखें माशाल्लाह। तो अब चलते हैं जी कॉलोनी से बाहर और फिर बातें करते हैं आपके साथ। अच्छा, तो दोस्तों हम लोगों ने नेस्टिंग मटेरियल को डाल दिया और इन्होंने पहले चेक भी करना शुरू किया था, और अभी हमें देख के थोड़ा पीछे हट गई हैं। देखें खुला हुआ नेस्टिंग मटेरियल है थोड़ा सा, तो ये आगे लेकर जा रही थी फीमेल, तो इसके अंदर फीमेल ने लेकर जाना शुरू किया। तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी अपना नेस्ट भर लेंगी, और मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी लाने की। मुझे अच्छा नेस्टिंग मटेरियल नहीं मिल रहा, इसकी वजह से मैं नहीं लेकर आ रहा। बाकी दूसरा तो मुझे मोटे वाला मिल रहा था, लेकिन वो नहीं चलेगा इसके अंदर। तो बाकी हमारे जो कॉकटेल्स हैं, इसके हवाले से आप लोगों को एक क्या कहते हैं चीज़ शेयर करनी थी आप लोगों के साथ, कि अगर आप लोगों के पास भी कोई ब्रीड आती है स्पेशली कॉकटेल्स की, या कोई बड़ा बर्ड होता है कॉकटेल रिंग नेक, तो क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस के अंदर तो लव बर्ड्स के अंदर भी चल जाता है, लव बर्ड्स में भी थोड़ा बहुत कम ही है ये सीन, कि आप लोगों के पास जब ब्रीड आती है तो सॉफ्ट फूड का जो है वो इसका ध्यान लाजमी रखना पड़ता है, क्योंकि जो कॉकटेल है उसको अगर आप लोग डेली सॉफ्ट फूड ना दें जब आपके पास ब्रीड आ जाए, तो उसके अंदर क्या होता है कि कॉकटेल बच्चे पालना छोड़ देता है, और जैसे ये उसको फीड नहीं करवाता तो मैक्सिमम 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर बच्चा एक्सपायर्ड हो जाता है। तो मैं इनको क्या यूज़ करवा रहा हूँ इस टाइम सॉफ्ट फूड के तौर पर, ये जैसे कि आप देखें बूटा जो होता है छली, तो ये मैं इनको यूज़ करवा रहा हूँ, और उसके अलावा मैं इनको ना एग फूड लाजमी इस्तेमाल करवा रहा हूँ। एग फूड बेस्ट चीज़ है और ये बूटा भी बेस्ट चीज़ है अगर आप लोग अपने बर्ड्स को देते हैं। मैं जब मेरे ऑस्ट्रेलियंस की ब्रीड आती हैं तो मैं तब इनको भी यही चीज़ देता हूँ, उसके अलावा कॉकटेल के लिए तो ये चीज़ लाजमी है। इनको आप दें या ना दें, ये दाने के ऊपर भी बच्चा पाल देते हैं इनका, ये ऑस्ट्रेलियंस का एक अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है। जबकि लव बर्ड में भी ये होता है दाने से पाल जाता है, लेकिन जो कॉकटेल है इसके अंदर यही चीज़ लाजमी है कि सॉफ्ट फूड नहीं है ये बच्चा सही नहीं पालता। आप लोग दाने के ऊपर रखें तो दाना ये खुद खाएंगे, बच्चों को नहीं खिलाएंगे, तो सॉफ्ट फूड इनके लिए लाजमी है। उसके अलावा मैं सॉफ्ट फूड के ऊपर प्रॉपर एक आपके लिए वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन से सॉफ्ट फूड हैं जो कि आपने देने हैं। गर्मियों का अलहदा सॉफ्ट फूड होता है और सर्दियों का अलहदा सॉफ्ट फूड होता है। तो अब थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया, सर्दियाँ आ रही हैं, लेकिन अभी सर्दियाँ आई नहीं हैं, तो उस हिसाब से अलहदा सॉफ्ट फूड है, तो वो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी उसके ऊपर वीडियो आपके लिए बना दूंगा कि कौन कौन सा सॉफ्ट फूड आपने देना है। तो मैं भी उसी तरह के सॉफ्ट फूड यूज़ कर रहा हूँ, कुछ हेल्थी सॉफ्ट फूड होते हैं और कुछ इस तरह ही होते हैं। तो इन्होंने शोर डालना शुरू कर दिया, हम लोग बाहर की तरफ चलते हैं।
तो ये आज की हमारी वीडियो थी। आप लोग मुझे रिकमेंड कर सकते हैं कि आप भाई किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, तो मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन आ रहा होगा उधर आप मुझे बता सकते हैं। उसके अलावा मेरा जो इंस्टाग्राम है वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आ रहा है, आप लोग मुझे उधर भी जाके रिकमेंड कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो उधर आप मुझसे पूछ सकते हैं। और बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपके साथ किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।